शासकीय लॉ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की साजिश का शिकार हुए प्रोफेसर षड्यंत्र पूर्वक विवादित किताब को लाइब्रेरी में रखा गया। 2014 में रेगुलर तौर पर LLM की लाइब्रेरी में लाई गई किताब पर बवाल करना राजनीतिक षड्यंत्र है। शासकीय लॉ कॉलेज में एक विवादित किताब के हिस्से को लेकर कॉलेज के प्रोफेसर्स को निशाना बनाने का षड्यंत्र AVVP के ऐसे छात्र नेताओं ने रचा है जो कि लॉ कॉलेज में अनैतिक रूप से एडमिशन नहीं करा पाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि शासकीय लॉ कॉलेज में 5 प्रोफेसर्स और कॉलेज के प्राचार्य रहमान के खिलाफ शिक्षा माफिया ने षड्यंत्र रचकर रास्ते से हटाने की कोशिश की है। धार्मिक उन्माद का सहारा लेकर के शिक्षा के मंदिर की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस बार सबसे ज्यादा BA LLB में प्रवेश का दबाव था, लेकिन लॉ कॉलेज में समस्त नियमों का पालन कड़ाई से कराया गया। इस वजह से कुछ एडमिशन के नाम पर दलाली करने वाले छात्र नेताओं के निशाने पर यह कॉलेज रहा है। इसकी वजह से प्रोफेसर्स पर गलत आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश सचिव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कॉलेज के CCTV फुटेज की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराकर यह पता करना चाहिए कि इस विवादित बुक को लाइब्रेरी में किसने खोजकर विवाद बनाने की कोशिश की है, जबकि LLM की लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें लॉ से संबंधित है। फिर कैसे इस किताब को खोजकर विवाद को पैदा किया गया, जबकि यह बुक 2014 से लाइब्रेरी में है। इस किताब से LLM में नियमित पढ़ाया भी नहीं जाता है, इसलिए यह जांच का विषय है कि लॉ कॉलेज का माहौल बिगाड़ने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें कि DAVV के एक प्रोफेसर की प्रमुख भूमिका है। प्रदेश सचिव यादव ने मांग की है कि किसी भी प्रोफेसर और प्राचार्य का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और तत्काल पद पर वापस दिया जाए। सर, ये एक कल कुछ छात्रों ने यहाँ पर हंगामा किया था, ज्यादातर उसमें वो स्कूल से जो बाहर के थे और कॉलेज के तो बहुत ही पहले जो कम कुछ थे जिन टीचर्स के बारे में शिकायत कर रहे थे, वो उनकी क्लासेज की भी स्कूल नहीं थे। और रहा इसका कि यहाँ पर ऐसा कहीं संभव है सर, मतलब जो जो विधि का महाविद्यालय हो, विधि के महाविद्यालय में कोई इस्लामिक स्टडीज का सेंटर थोड़ी है जो यहाँ पर हम इस्लामिक स्टडीज पढ़ाए थे, कहीं किसी तरह की नहीं सर। ये छात्र जो है पता नहीं कैसे इस तरह की, तो पहली बात मैंने उनको आश्वासन भी दे दिया मेरे को, मैं इसकी बिल्कुल स्वतंत्र इंक्वायरी में जज से करवाऊंगा और अगर कोई पाता कि दोषी आता तो मैं उसके भी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। पर किसी को एलिगेशन लगा देने मात्र से सर किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। छात्रों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि साहब इनको हटाइए, आप बिल्कुल बाहर कीजिए, तो मैं इस तरह से बाहर करने का न तो मेरे पास क्षेत्राधिकार है सर और न ही मैं इनको इस तरह से बाहर कर सकता हूँ। तो उसमें सीधा मैंने कहा भाई इंक्वायरी तो उन्होंने कबल नहीं, आप ये इंक्वायरी को प्रभावित करेंगे, मेरे को मैं इनको शिक्षाओं से जो कक्षाओं से तो रोक देता 5 दिन जब तक निकलती है। ऐसा कुछ भी नहीं सर, कोई प्रूफ तो नहीं सर, बोलने से सर कैसे हो जाएगा सर। आपके पास कोई सबूत हो तो सबूत पेश करो ना, बताओ बच्चों को कौन सा कहाँ कहाँ पर है क्या है। ऐसे खाली कह देने मार्क्स से हम कह रहे हैं आम मानिए, ऐसे थोड़ी होता है सर, जो किसी के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करें। मैं डॉक्टर नामुर रहमान, प्रिंसिपल GNLC इंदौर। इंदौर के लॉ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक नेता ने कुछ प्रोफेसरों को फंसाने की कोशिश की। षड्यंत्र पूर्वक एक किताब को लाइब्रेरी में रखा गया और उसके बाद आरोप लगाया गया कि इस किताब के अंश LLM में पढ़ाए जाते हैं, जबकि सर्वविदित है कि 2014 के बाद इस किताब का कभी ना उपयोग हुआ ना किसी को पढ़ने को बोला गया। ये जांच का विषय है कि ये किसने वहां किताब रखी, क्योंकि वहां CCTV कैमरे भी लगे हैं। इसके बाद भी गृह मंत्री और अन्य जिम्मेदार लोगों के बयान आ रहे हैं कि पुलिस में FIR दर्ज की जाए और फिर जांच की जाए, जबकि शिक्षाविदों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना और इस तरह की कार्रवाई करना मध्य प्रदेश को शर्मनाक स्थिति में पहुंचाता है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है या तालिबान का राज है, यह मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए।
गृह मंत्री जी जिस तेजी से बयान दे रहे हैं, अगर उस तेजी से कार्रवाई करते हैं तो अभी तक इस झूठ के पीछे का सच सामने आ जाता। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति आने वाले चुनाव को देखते हुए लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि कल वो इंदौर में इस प्रकरण की जांच कराएं और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले और जिन लोगों पर दबाव बना के इस्तीफा लिया जा रहा है उनका इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए।